गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हमने पिछले एग्जांपल में 1.3 देखा था, 1.2 सॉरी एक्सरसाइज 1.3 अब हमें देखना है। यहां पे दिया हुआ है फर्स्ट क्वेश्चन, एस्टीमेट इज ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग जनरल रूल। एस्टीमेट इज ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग जनरल रूल, मेक 10 मोर सच एग्जांपल्स ऑफ एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड एस्टीमेशन ऑफ देयर आउटकम। ध्यान दीजिएगा, आपको जो एग्जांपल मैं अभी पढ़ाऊंगा उस एग्जांपल के रीति से आपको 10-10 एग्जांपल लेने हैं एडिशन के, सब्ट्रैक्ट के और एस्टीमेट के। ठीक है, अब एस्टीमेट ऑफ द रूल मतलब यूजिंग जनरल रूल का क्या मतलब होता है कि हमें जो संख्या दी हुई, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है 730 + 998, इस तरह का जो हमें नंबर दिया हुआ है, इस नंबर में आप लोगों को ध्यान देना है कि 730 प्लस 998 दिया हुआ है, लेकिन इनका प्लस नहीं करना है। तो किसका प्लस करना है, इसमें जो नंबर 100 के पास में है, जैसे कि 730 किसके पास में है, 700 के पास में है, और 998 किसके पास में है, 1000। तो इन दोनों का प्लस करना है, कितना आएगा 1700। ठीक है, सेकंड नंबर दिया है आपको 796 और माइनस 340। 796 किसके पास में आता है, 800 के, और 314 किसके पास में आता है, 300 के। 800 माइनस 300 कितना होता है, 500। इसी तरह आपको दिया आगे 12904, ये किसके पास आता है, 13000। अब 2888 ये किसके पास में आता है, 3000 के पास। उस तरह 28292 ये आएगा आपका 28000, और माइनस 21496 आएगा 21000। तो आप माइनस करोगे तो कितना आएगा आपका, इसमें से 21 गए, 28 में से 21 गए, अब क्या आएंगे 7। उसी तरह आपको क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, गिव अ रफ एस्टीमेट बाय राउंडिंग ऑफ द नियरेस्ट हंड्रेड्स एंड आल्सो क्लोजर एस्टीमेट बाय राउंडिंग ऑफ द नियरेस्ट टेंस। ठीक है, तो जैसे कि यहां पे आपको दो तरीके से एग्जांपल करना है, जैसे कि आपको मैं एक एग्जांपल आपको कर रहा हूं, बाकी आपको करने हैं। टेंस के पास में भी लिखना है और हंड्रेड के पास वाले में भी, मतलब ए वाला जो एग्जांपल रहेगा दो बार करना है आपको। दहाई के अंक के पास आना चाहिए और सत्तर के अंक के पास आना चाहिए, जैसे कि 439 से हम पहले सत्तर वाला कर लेते हैं, हंड्रेड वाला कर लेते हैं, 439 किसके पास में आता है, 400 के पास में आता है, या फिर हम लिख देते हैं 400 के पास आता है, 334 किसके पास आता है, 300, उसके बाद 4370 किसके पास में आता है, 4300 के पास में। सभी को क्या कर देना है, प्लस 400 प्लस 300 700 प्लस 4300 5000। इस तरह नियरेस्ट में क्या आएगा, 5000 आएगा। और टेंस में अगर करना है तो किस तरह करेंगे हम, 439 किसके पास आएगा, 440, 335 आएगा, 330, और 4370 आएगा 20 के पास। तो 440, 330 और 4320, 4300 और 300 हो गए आपके, इतने प्लस कर देते हैं उसके, 4320, 330 और 440, 0, 2 3 5 4 9, 3 3 6 और 4 10 11, 5190। इस तरह हंड्रेड्स में करोगे तो इस तरह आएगा, टेंस में करोगे तो इस तरह आएगा। अब आपको हंड्रेड्स में करना हो तो किस तरह किया जाता है, ध्यान दीजिएगा। अगर दूसरी संख्या अगर 50 से ऊपर हो तो हमें क्या करना है, यहाँ पे 500 आ जाते हैं, अगर 50 से नीचे है तो 400 लिए, 50 के अंदर है
इसलिए 300 लिए, 50 के अंदर है 17 इसलिए 300 लिए। अगर यहाँ पे अगर आपको 60 आता 460 तो आप क्या करते यहाँ पे 500 लिए। ओके इसी तरह वहाँ पे भी यहाँ पे दिया हुआ लास्ट वाले 9 है, 5 से ज्यादा होगी तो आगे वाला एक नंबर बढ़ा देना है, अगर 5 से कम होगी तो नंबर वही रखना है। जैसे कि सेकंड वाला एग्जाम्पल आपका हंड्रेड में करेंगे पहले तो हंड्रेड में अगर करना है तो इसका क्या आएगा 734 का आपका आएगा 700 और यहाँ क्या आएगा 600 ठीक है माइनस कर देना है। जीरो जीरो वन वन दस से चार गए छ आएगा आपका 61100। अगर आपको टेस्ट नहीं करना है तो क्या आएगा यहाँ पे 30 और यहाँ पे आएगा 600 यहाँ पे 30 हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा आपका 0 3 1 1 6 इस तरह बाकी एग्जांपल आपको कर लेंगे ठीक है। अब जैसे कि आपको आगे वाला क्वेश्चन दिया हुआ है एस्टिमेट द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स यूजिंग जनरल रूल और आपको मेक फोर मोर सच एग्जांपल्स दिए हुए हैं सेकंड क्वेश्चन में भी तो आपको ज्यादा से ज्यादा और चार एग्जांपल इस तरह आपको करने हैं। ध्यान देना है एस्टिमेट द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स यूजिंग जनरल रूल प्रोडक्ट्स में गुणा करना। अब गुना भी कैसे किया जाता है देखो सबसे इजी अध्ययन देखा मैंने जिसे आपको बोला 50 से ज्यादा संख्या है 50 से ज्यादा क्या हो जाएगा 600 50 से ज्यादा है 200 6 × 2 = 12 कितने जीरो है 4 सेकंड वाला पचास से ज्यादा है 500 से कम है या फिर 500 है 4 × 5 = 20 3 × 0 = 3 इस तरह आपका जवाब आएगा ठीक है। अब 5300 मिला है मतलब 5000 आया अब इसको क्या करेंगे 3500 आया अब 5000 को क्या करेंगे गुणा कर देना उसका धन दे 3500 1 2 3 4 5 0 हो गए 1 2 3 4 5 हो गए 5 × 5 = 25 5 × 3 = 15 × 2 = 1,75,000 आपके जॉब ठीक है। इस तरह आपको जो एग्जांपल्स आगे दिए हुए मेक अ फॉर्म और सच एग्जांपल इस तरह के चार एग्जांपल और आपको करने हैं और आगे आप लोगों को देखो फॉलोइंग द रूल्स देयर रूल्स विद गैप अब आपको इस तरह के रोमन रोमन अंक दिए हुए हैं रोमन अंक तो आपको पता ही होगा कि किताब जो उससे स्टार्ट होती है जब कोई भी किताब स्टार्ट होती है तो सबसे पहले पेज नंबर रोमन अंक में होता है तो आपको यहाँ पे दिया हुआ है 1 = 1 लाइन दी हुई है मतलब 8
टू इज इक्वल टू 90। तो ये 90 तक आपको लिख लेना, ठीक है। पेज नंबर यहाँ पे 25 पर दिया हुआ है, 90 तक आपको लिख लेना है। और आपको जो एग्जांपल नंबर 7 दिया हुआ है, देखो चलो मैं लिख देता हूँ आपको। थर्ड आपको दिया हुआ है 4, 5, 6, 7, 8, 9। फोर का आएगा आई बी 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 आर बी डबल आर बी ट्रिपल आर आर एक्स। और 10 दिया है आपको एक्स, 20 दिया है डबल एक्स, 30 दिया है ट्रिपल एक्स, 40 दिया है एक्स एल, 50 एल, 60 एल एक्स, 70 एल डबल एक्स, 80 एल ट्रिपल एक्स और 90 एक्स सी, ठीक है। अब एक एग्जांपल दिया हुआ है 7 नंबर का, आपको दिया है वहां पे 69 और सेकंड दिया है 98। ध्यान दीजिए 69 मतलब क्या होता है, 60 प्लस 9, और यहाँ पे 90 प्लस 8। अब 60 को रोमन नाम कौन सा है, एल एक्स है। 9 को क्या है, आई एक्स है। तो पूरा लिखेंगे किसे उसको, एल एक्स आई एक्स, ये हो गया आपका जवाब, ठीक है। 90 को क्या दिया है, एक्स सी। 8 को क्या है, y v ट्रिपल i। इस तरह इसका हो जाएगा x c v ट्रिपल r, ठीक है। अब इस तरह आप लोगों को एक्सरसाइज 1.3, अब ये रोमन अंक का आपका लास्ट था, 1.3 आपका भी लास्ट था, ठीक है। तो 6 का सॉरी ये पेनल लिखना भूल गया, 6 का आपका जो 1.3 एक्सरसाइज 1.3 का आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है और चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है। जो कोई भी आपको एग्जांपल में कोई प्रॉब्लम हो तो आप स्कूल में आके एग्जांपल सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। लेकिन आपको जो एक्सरसाइज 1.3 तक यहाँ तक मैंने आपको पढ़ाया है तो आपको नोटबुक में कंप्लीट कर लेना है। जब भी आपको स्कूल में बुलाया जाएगा तब आपकी नोटबुक चेक होगी और उसके बाद आपकी जो एग्जाम रहेगी वो एग्जाम भी होने वाली है, ठीक है। तो इसी तरह जो एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन रहेंगे वो जो पढ़ाया होगा उसी में से आएगा, तो आपको सही से पढ़ाई करनी है। अगर कोई भी दिक्कत आती हो तो स्कूल में आइए और आपके जो सॉल्यूशन जो समस्या होगी उसका सॉल्यूशन मिलेगा, ओके। तो इस तरह आपको थोड़ा क्या कर देना है, एक्सरसाइज 1.3 ध्यान से पढ़ना है और उसके बाद एक रोमन अंक वाला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन आपको देख लेना है और इसका पूरा का पूरा नोटबुक में उतार लेना है, ठीक। धन्यवाद।